हेलो हाय, जय जगन्नाथ सबको मेरा नमस्ते। मैं नेचर लवर पिंटू आपके लिए लेकर आया हूँ आज और एक प्यारा सा वीडियो। तो वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो चैनल है जिसका नाम है नेचर एंड फूड लवर पिंटू, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में प्रेस द बेल आइकन, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है जगन्नाथ मंदिर के स्वयं जगन्नाथ भगवान के ऊपर है, तो ये वीडियो को देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर है, ओडिशा के कोरापुट जिले में है। तो इस मंदिर का नाम जो है रखा गया है सबर श्रीक्षेत्र जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी में एक श्रीक्षेत्र जिसे बोला जाता है जगन्नाथ टेम्पल, यहाँ पे भी ये जो जगन्नाथ टेम्पल है इसको भी श्रीक्षेत्र बोला जाता है। इसको जो सबर श्रीक्षेत्र बोलने के पीछे बहुत ही बड़ा राज है। तो चलिए पहले मंदिर के ऊपरी हिस्से में चलते हैं, तो आगे के बारे में बताएंगे। ये जो कोरापुट ये जो मंदिर है भुवनेश्वर से 450 किलोमीटर दूर, आप ट्रेन में भी आ सकते हैं, बस में भी आ सकते हैं, और ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से 200 किलोमीटर है, क्योंकि कोरापुट जिला जो है दक्षिणी हिस्से में उड़ीसा में आता है। ये जिला पूरा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, तो छत्तीसगढ़ रायपुर से भी जो भी आना चाहते हैं 400 किलोमीटर आ सकते हैं। आप लोगों को इधर से प्रसाद भी मिल सकता है, तो ये जो प्रसाद है ये जो छोटे छोटे थैली में देते हैं जिसका 20 रुपया लिखा है इधर, तो बहुत सारे जगन्नाथ जी के जो प्रसाद हैं मिलते हैं इधर, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा व्यू है इस मंदिर का। इस मंदिर में जो पूजा करते हैं, जो कोई ब्राह्मण नहीं है जो पूजा करते हैं, पुजारी लोग यहाँ के जो सबर आदिवासी कास्ट के जो सबर लोग हैं वो सबर ही लोग पूजा करते हैं। ये सबर लोग पूजा करने के पीछे बहुत ही बड़ा सा स्टोरी है, तो उसके बारे में कुछ छठ में बताऊं। जैसे कि बहुत ही पुराने की बात है ये, जैसे सबर राजा विश्वबसु सबर जी जो कि स्वयं भगवान जी के बहुत ही एक अच्छा भक्त है, उनका भक्त में इतना शक्ति था कि स्वयं भगवान जी उनके भक्त में खुश होकर उनको दर्शन दिए थे, और उनके यहाँ घर में जो नीलकंदर एक जगह था वहाँ पर आके भगवान जी रह के पूजा पाए थे। और उसी दिन से उन्होंने यहाँ पर जो सबर राजा विश्वा बसु सबर हैं उन्होंने जगन्नाथ मंदिर इधर बनाया और इधर जगन्नाथ जी को रख के पूजा किया, जैसे पुरी में पूजा किया जाता है स्वयं भगवान जी को, पुरी में जैसे रीति नीति विधि के अनुसार पूजा होता है, इधर भी ऐसे भगवान जी का पूजा होता है। अंदर भगवान जी बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी तीनों के तीनों भगवान हैं, और पीछे भी उस साइड पीछे भी लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो जैसे कि उसी दिन से इधर भी इस नाम का भी नाम रखा गया श्री क्षेत्र, तो उससे पहले रखा गया सबर, जो सबर राजा थे उनके इतना भक्ति थे कि उन भगवान जी खुश होकर उनको नाम से नाम मंदिर है जिसका नाम है सबर श्री क्षेत्र जगन्नाथ टेम्पल कोरापुट। तो आप लोग देख सकते हैं इसके आगे अलाउ नहीं है जाने के लिए, तो चारों तरफ कोरापुट जिला जो है नेचर में भरपूर है, यहाँ पे ये पहाड़ और झरने से भरपूर जंगल से, तो यहाँ पर भी मंदिर हैं बहुत ही प्यारा प्यारा मंदिर हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा सुंदर टाउन भी इधर है, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे तो मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ कि ज़्यादा वीडियो बनाऊँ ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँ, तो मैं बस ऐसे ही मुझे जितना भी आता है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मंदिर का पूरा व्यू है। मैं इधर एक पुजारी जी से बात किया जो कि लोकल लैंग्वेज में वो उनका जो इधर उड़ीसा का जो लोकल लैंग्वेज है उड़िया में उन्होंने बताया। तो आप इधर से देख सकते हैं कितना प्यारा सा व्यू है। मंदिर के अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में है जिसमें लिखा है जुगे जुगे जगन्नाथ, जो जगन्नाथ जी का जितने सारे रूप लिए थे पूजा पाते हैं उस सब रूप को इधर भगवान को मूर्ति में रखा गया है। ऊपर भी लिखा है आप लोकल लैंग्वेज हिंदी में, तो ऐसे भी मैं दिखाना के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। आप लोग आकर इधर देख सकते हैं जगन्नाथ जी का कितना सारे अवतार, ये लक्ष्मी नृसिंह अवतार, हर पार्वती अवतार, बहुत सारे अवतार हैं जगन्नाथ जी के, तो आप लोग देख सकते हैं मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। बहुत सारा अवतार जैसे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, मैं जो सोच रहा हूँ आप इधर आइए जगन्नाथ जी का जितने सारे अवतार हैं सब देखिए, इधर पूजा कीजिए, देख सकते हैं आप लोग। छोटे बड़े
जितने भी सारे अवतार में भगवान जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ सब जगह पे पूजा पाते हैं। तो कितने छोटे बड़े बहुत सारे जगन्नाथ जी, जय भी जय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ का नारा सुनने को मिलता है। देख सकते हैं आप लोग, तो शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ, आप लोग आइए कोरापुट जिले जो ओडिशा में दक्षिणी भाग में है, तो इस जो मंदिर का सबरसी क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर का घूमिए देखिए। और यहाँ पर जो भी आते हैं खाली हाथ कोई नहीं जाता, सच्चे दिल से भगवान को प्रार्थना करते हैं तो स्वयं भगवान उनके हाथ में मांगा हुआ चीज़ दे देते हैं। तो आइए आप लोग देखिए, जय जगन्नाथ। आप लोग देख सकते हैं इससे आगे मोबाइल अलाउ नहीं है, यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा व्यू है इस मंदिर का। नीचे पार्किंग भी है, आप लोग आ सकते हैं घूमने के लिए। तो इस मंदिर के बारे में बताएं, जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, वहाँ पे जैसे भोग वोग लगाया जाता है, जैसे भी वहाँ पर भगवान की पूजा विधि है उसका हूबहू इधर किया जाता है पूजा, लेकिन फर्क बस इतना वहाँ पर ब्राह्मण जी करते हैं पूजा और यहाँ पे यहाँ के जो आदिवासी संप्रदाय के लोग हैं सबर कास्ट के, वो लोग इधर पूजा करते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं ये सबरसी क्षेत्र जगन्नाथ टेम्पल कोरापुट। इधर भी ये इनका जो हाथी वेश, रघुनाथ वेश और बलिवान मैन वेश जो कहा गया है, वो तीनों का भगवान का यहाँ पर जैसे जैसे सालों में जितना जितना वेश में स्वयं भगवान की पूजा की जाती है सब वेशों को इधर रखा गया है देखने के लिए भगवान की। और भी देख सकते हैं इधर भी कितने सारे भगवान जी का मूर्ति बनवाया गया है, जो जो रूप में भगवान पूजा पाते सब भगवान जी इधर हैं। पूरी में जैसे ही भगवान सब रहते हैं सब भगवान भी इधर, जगह छोटा है लेकिन यहाँ का जो कीर्ति है बहुत पुरानी और बड़े बड़े कीर्ति हैं भगवान जी के। अगर आप में भक्ति हो, निष्ठा हो, तो स्वयं भगवान जी भी अपने आप को आपसे मिलने से नहीं रोक सकते। तो ऐसे ही जो सबर राजा थे विश्वावसु, उनके भक्त में इतना शक्ति था कि स्वयं भगवान जी जगन्नाथ मंदिर पूरी छोड़ के उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे और उनके मंदिर में पूजा भी पाए। सबरसी क्षेत्र जगन्नाथ टेम्पल, आप लोग यहाँ पर आइए घूमें देखें और यहाँ का जो महात्म्य है इनके बारे में आप सब लोग जानें। मेरा उद्देश्य बहुत जो भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्लेस मंदिर जो हैं उनको बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों के पास पहुँचाना। तो देख सकते हैं आप लोग ये मंदिर बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, भगवान जी के पास जैसे जैसे पूजा किया जाता है मंदिर जगन्नाथ पुरी में, यहाँ पर भी हूबहू पूजा किया जाता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, जो मेरा जो चैनल है जिसका नाम है फूड एंड नेचर लवर पिंटू, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट में प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आपके लिए आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी आपके लिए एक बहुत प्यारा प्यारा वीडियो ऐसा नेचर के ऊपर, जैसे कि खुद मंदिर फंदिर सब अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। जय जगन्नाथ, जय हिंद।